साल 2024 की रामनवमी पूरे भारत के लिए तो खास है ही, लेकिन अयोध्या में इस शुभ अवसर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, रामनगरी अयोध्या में बीते 22 जनवरी को राम मंदिर में हुई रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद से सभी राम भक्तों को सबसे ज्यादा इंतजार रामलला के जन्मोत्सव का ही तो है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद इस बार पहली बार मंदिर में विराजित रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है और रामनवमी के इस पावन अवसर के लिए अयोध्या में तैयारियां पूरे चरम पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ रहे श्रद्धालुओं के जनसैलाब को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा से लेकर स्थिति पर नियंत्रण बनाने तक के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य मार्ग पर स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाने से लेकर धूप से बचने के लिए रंगीन पर्दे, भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग, वाटर कूलर और वाटर एटीएम तक की बेहतर सुविधाएं प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही हैं। इस विषय पर अयोध्या के महापौर ने जानकारी दी। रामनवमी में अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए अयोध्या नगर निगम पूरी तरह सुचिंतित ढंग से काम कर रहा है। जगह जगह यात्रियों को उनके जूते उतारने के लिए हम लोग सूरैक्स बनवा रहे हैं। मुख्य मार्ग पर हम लोग जो है वो लाल कालीन बिछवाएंगे ताकि किसी को पैदल नंगे पांव चलने में कोई मौसम संबंधी असुविधा का सामना न करना पड़े। जगह जगह वाटर कूलर्स, वाटर कियोस्क, वाटर एटीएम्स ये सब लगाए जा रहे हैं ताकि पेयजल की कोई असुविधा न होने पाए। श्रद्धालुओं के तमाम टॉयलेट्स, मोबाइल टॉयलेट्स ये सब चीज़ें लगाई जा रही हैं। कुल मिला के अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालु को अपने आराध्य के दर्शन में कोई असुविधा न होने पाए, इसके लिए पूरा ख्याल रखा। कितनी भीड़ आने की संभावना है? देखिए, भीड़ तो हर बारी 25-30 लाख आती थी, इस बार तो रामलला राम जन्मभूमि की स्थापना हुई उस दृष्टिकोण से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तो ज़्यादा ही लोग आएंगे अनुमान है, लेकिन हम लोग पूरा उसको अच्छे से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शासन भी प्रयास कर रहा है और समाज भी प्रयास कर रहा है। कितना खास रहेगा ये? निसंदेह अद्भुत है, ये इस बार की रामनवमी अद्भुत है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी वहाँ मनने जा रहे हैं, तो कुल मिला के अद्भुत है और अद्भुत वातावरण रहेगा जिसका लोग आनंद लेंगे। न केवल श्री राम जन्मभूमि मंदिर बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। राम भक्तों की आस्था को देखते हुए इस बार अयोध्या की रामनवमी के ऐतिहासिक होने की पूरी संभावनाएं हैं। इस अद्भुत क्षण और वातावरण के साक्षी ज्यादा से ज्यादा लोग बनेंगे और आनंदित होंगे। इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है।